अरे बहुत सारी नई कॉलोनियां बन रही हैं इधर, और रोड कितना खराब है। गाड़ी की कंडीशन कैसी हो रही है, अभी पहुंचना है इसको भाई। आज है संडे, तो मेरा प्लान है कि इसमें जो सीएनजी, मेरी गाड़ी सीएनजी है एक्चुअल में, तो इसमें जो सीएनजी सिलेंडर होता है उसकी हर 3 साल पे टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर लगता है। अगर वो टेस्टिंग का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो पेट्रोल पम्प वाले आपकी गाड़ी में सीएनजी डालना बंद कर देते हैं। एक सिस्टम है सीएनजी का, तो अभी मुझे टेस्टिंग करानी पड़ेगी। मेरा सिलेंडर एक्सपायर हो गया और कल पेट्रोल पम्प वाले ने सख्त मना कर दिया, भाई मैं नहीं डालूँगा सीएनजी। अब मुझे टेस्टिंग करानी है आज, और बड़ा रिस्की होता है वो, क्योंकि सिलेंडर निकालते हैं, उसकी जांच होती है, सफाई होती है, और गैस उसमें से निकालते हैं, फटने का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसी का प्लान है भाई आज, तो पहले कर लेता हूँ गाड़ी की सफाई, क्योंकि कंडीशन देखो क्या हो रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं भाई आप लोग, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी थोड़े थोड़े गैप पे, और अब लंबा महीनों का गैप नहीं होगा क्योंकि मौसम हो गया है सही, आपका भाई आ गया है फुल फॉर्म में। बाकी अभी है हम भाई ग्वालियर रोड पर, और ये आगरा से धौलपुर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी आगरा से थोड़ा सा ही निकला हूँ मैं, यहीं से थोड़ा सा इधर मेरा गाँव है, तो यहीं पर एक कहीं खाली प्लॉट में मैंने नेट पे देख लिया था, नया खुला है भाई टेस्टिंग सेंटर, अब क्योंकि ज़रूरत थी। वैसे मुझे उधर जाना पड़ता था दिल्ली रोड पे भाई, दिल्ली रोड पर रुनकटा पे, बहुत दूर था वो। अगर ये चालू हालत में होगा तो इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। बहुत सारी नई कॉलोनियां बन रही हैं इधर, और रोड कितना खराब है। यहीं कहीं बताया किसी ने भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ। वैसे मेरे गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है मात्र ये, पर क्योंकि इधर आया ही पहली बार हूँ डेवलपमेंट के बाद हूँ, पहले तो यहाँ सब खेत हुआ करते थे भाई। अभी आज की डेट में देखो ये सब भाई साहब कवर हो गया, कॉलोनियां बन गई हैं इधर, ये नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, सारा कवर हो चुका है, तो सारी ना वो क्या बोलते हैं उसको, नक्शा ही बदल गया है। अब देखता हूँ कहाँ पर मिलेगा। यही लग रहा है भाई सीएनजी टेस्टिंग प्लांट, इसका रास्ता किधर से है भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपका कोई बोर्ड बोर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ रोड, पता ही नहीं चलता है, खोल दिया मैंने, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर है ये टेस्टिंग सेंटर। बड़ी मुश्किल से ढूंढाने के आया हूँ, मैंने नेट पर सर्च मारा था। आ जाओ जी, आ जाओ, इनका कोई बोर्ड नहीं लगा एक्चुअल में, ढूंढने में आदमी को दिक्कत होती है, सड़क पर एक डायरेक्शन लगाओ ना, बोर्ड लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आया हूँ, और मैं इनका वो लगा ही नहीं डायरेक्ट, मैंने तो नेट पर सर्च मारा, और कहने को मैं बगल के गांव का हूँ, पर मुझे ही नहीं पता था यहाँ पे। बाद में फिर उसके नीचे जैसे जो तुम्हारा लगा हुआ उसके नीचे भी लगा हुआ है, अभी मैं ये बगल में पोस्टर यहाँ से बंद कर दिया। कितना टाइम हो गया भाई इसको खुले हुए? साढ़े 8 तक आएगी। हाँ सही कह रहे हैं आप।
ऊंची नहीं कभी। सिलेंडर निकालने के बाद, उसकी गैस निकालने के बाद में भैया ले गए उसको अंदर और गेट बंद कर लिया अंदर से। कुछ सिक्योरिटी पॉइंट होता है जिसकी वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं रहता, तो भैया अंदर ले आ गए, उन्होंने गेट कर लिया बंद। हम बाहर बस वेट कर रहे हैं कितनी देर में टेस्टिंग होगी और वो कब आएंगे। तो बाकी इधर का नज़ारा भी, नई नई कॉलोनियाँ बनी है ना इधर, कोई डेवलपमेंट वैसा रोड वोड का नहीं है, अंदर कॉलोनिया का तो है भाई। सिलेंडर टेस्टिंग हो गई अपनी डन। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ भाई, ये मिला सर्टिफिकेट, इस पर ये लिखा है कब से लेके कब तक का ये पीरियड हो गया। बाकी इसमें गाड़ी की डिटेल्स हैं। तो अभी ये 24 फरवरी, क्योंकि आज 25 फरवरी है, आज से लेके 3 साल तक के लिए होता है, तो अभी ये 24 फरवरी 2027 तक के लिए हो गया डन। अब क्योंकि भाई सिलेंडर टेस्टिंग में गैस बिल्कुल निचोड़ दी जाती, सिलेंडर ख़त्म कर दिया जाता है। देखो ना CNG बिलिंग कर रही है, मतलब अभी CNG इसमें हो गई 0 और पूरी पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी। मुझे तुरंत ही कहीं से CNG डलवानी पड़ेगी, यहाँ पास में पंप है, अगर उस पर वही CNG तो ट्राई करता हूँ। 307 रुपये की तो आ ही गई भाई, जब तक कुछ तो काम हो जाएगा, बहुत प्रेशर कम है, ख़त्म होने वाली है तो काफ़ी है। क्यों फेल क्यों आ रहा है? भाई अपनी रोड, मतलब अपने गांव से जो रिंग रोड निकल रही है ना, आगरा वाली रिंग रोड जो यहाँ से निकल रही है, उसका काम बड़े तेजी से चल रहा है, देख रहे हो पुलिया वलिया बन गई है, बहुत डेवलप हो जाएगा भाई अपना एरिया अब ये है। बाकी वीडियो करते हैं भाई, एंड कैसी लगी ज़रूर बताना, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तो आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, है ना। मैं पहुंच रहा हूं अपने गांव, अपने घर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।